हेनरी फेयॉल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में लिखना है, फिर मैं 14 प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा और एंड में 14 प्रिंसिपल्स जो पॉइंट्स है उसको लर्न करने के लिए एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की जो मैंने स्टोरी बनाई है जिसके मदद से आपको सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स याद रहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर से करना। नाउ ये जो क्वेश्चन है फुल लेंथ बड़ा आ सकता है या शॉर्ट नोट में 4 मार्क का भी आ सकता है। फुल पूछा तो वो लोग 14 के 14 प्रिंसिपल लिखने को बोलेंगे और छोटा पूछा तो 4 मार्क के लिए एनी 5 प्रिंसिपल बोलेंगे। वो कैसे भी एग्जामिनेशन के हिसाब से आ सकता है। नाउ जो हमारा वीडियो था मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैंने प्रिंसिपल को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। सो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ प्रिंसिपल मीन्स अ जनरलाइजेशन, ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रिंसिपल मतलब क्या, अ काइंड ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है ना, एक सच्चाई है, ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ है जो बताया जाता है। जैसे कि व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द एयर, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ राउंड है, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल है इट गाइड्स टू थॉट एंड एक्शन, मतलब चोरी चकारी नहीं करना है। आदमी प्रिंसिपल्ड है, ऑनेस्ट है, इसका मतलब उसको मौका भी मिला चोरी करने का तो वो प्रिंसिपल्ड है, चोरी नहीं करेगा, क्योंकि विचार और एक्शन के पीछे ताकत देता है प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ऐसा 2 लाइन लिखोगे एग्जाम में कैसे लिखना है वो ये पीपीटी में बता रहा हूँ, ये पीपीटी में, ठीक है। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलना, सी फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसे, ए मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब सीधी बात है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, मैनेजर्स, मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर्स, वो लोग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, किस लिए, डिसीजन मेकिंग से पहले। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ, वो तो स्टार्टिंग में तुम लिख सकते हो। इसको अगेन तुम नंबरिंग 1, 2, 3 भी किया तो भी कोई हर्ज नहीं है। और आगे लिखोगे दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो क्या बोलोगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं। और तीसरा पॉइंट, दस अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। सेम बात है, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स को मदद करते हैं ये प्रिंसिपल। इस प्रकार से तुमने ए मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल मेकिंग एंड बिहेवियर, ठीक है। अब सी क्या करना, एक इंट्रोडक्शन दे देना। मतलब क्या होगा, इंट्रोडक्शन किस चीज का, जो फेयॉल है हेनरी फेयॉल के बारे में 2-3 लाइन लिख दिया तो भी ताकत बढ़ेगा, ऐसे 1, 2, 3 में लिखा तो अच्छा है। याद रखो हेनरी फेयॉल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिया और बहुत फेमस हुआ, ठीक है ना। तो हेनरी फेयॉल का इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सिंपल सा लाइन बोलना। याद रखना गलती से साइंटिफिक मैनेजमेंट मत बोलना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर माने जाते हैं वो F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर माने जाते हैं, ये फोटो, ठीक है ना, हेनरी फेयॉल का। तो आगे सेकेंड नंबर क्या बोलना, उन्होंने ही रोट अ फेमस बुक एंटाइटल्ड, अभी ये जो मैंने डेफिनेशन दिया है ये एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री फ्रेंच की बुक है। ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, कौन, हेनरी फेयॉल, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एक्ट जनरल है, 1916 में ये फ्रेंच में लिखी इन्होंने बुक, जो कि आगे चलकर फेमस हुई बुक, आगे चलकर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम पे इन द ईयर 1949। ऐसे तुमने लिखा तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू फेयॉल भी हो जाएगा। और डी क्या करना, जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो हेनरी फेयॉल ने दिया, वैसे तो हजारों डेफिनेशन है बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है तो हेनरी फेयॉल का जो डेफिनेशन दिया गया है वो यदि आप लोग लिख दोगे तो बोलते ना एकदम जबरदस्त ताकत मिल जाएगा आंसर को। सो ये ए बी सी डी फॉर्म में लिखा तो बहुत अच्छा, टू मैनेज टू फोरकास्ट टू प्लान। अब बेटा ये रट्टा मारना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेनेशन जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में करूंगा, मैनेजमेंट मतलब फोरकास्ट भविष्य का, मैं अभी से तैयारी करना, प्लान करना, जमा करना रिसोर्सेस, कमांड मतलब लीडरशिप स्किल, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स का डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। 14 पॉइंट्स रट्टा नहीं मारना है, वो मैं स्टोरी के हिसाब से बता दूंगा अच्छे तरीके से।
वंस यू हैव रिटन एबीसीडी, अभी क्या होगा आप लोग का जो आंसर है ना ई, ई विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो शुरू हो रहा है, जो कि 14 पॉइंट्स है। एग्जाम में इफ दे से कि एनी फाइव, तो पांच ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। और पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछा तो बेटा पूरा का पूरा 14 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। वो जो पॉइंट्स लिखना है वो आप लोग का चॉइस होगा, आप लोग को कोई भी पांच पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप चुन लेना। नाउ पहला प्रिंसिपल डिविजन ऑफ वर्क, ये मैंने एग्जाम्पल भी कहीं पे पहले दिया था। डिविजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि पहले जो जैसे क्रिकेट टीम में एक काम को डिवाइड करो और स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में बुमराह बॉलिंग करता है, रोहित शर्मा विराट कोहली बैटिंग करते हैं, तो काम को बंटवारा कर दिया है, एक बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे। सो एक कंपनी में हेनरी फेयर का मानना था कि पहले तो काम को डिवाइड करो और स्पेशलिस्ट लोग को काम पे लगाओ, इससे बोलते ना स्पेशलाइजेशन आएगा। वैसे ही कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन होगा, इंजीनियर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीए होगा, मार्केटिंग में एमबीए होगा। तो इस हिसाब से अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं काम को डिवाइड करो और स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ, सो डिविजन ऑफ वर्क विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का एक बहुत बढ़िया राइटअप में बताता हूँ। अथॉरिटी एक लीगल राइट है जो एक आदमी को दिया है बाय वर्चू ऑफ हिज पोजीशन। एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलेज में प्रिंसिपल के पास ताकत है टीचर्स को गाइड करने का, ठीक है ना। सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। अथॉरिटी एक लीगल ताकत है, सिर्फ पार अलग है बेटा। पार तो कोई भी जैसे कि रस्ते में चलने वाला कोई भी पॉलिटिशियन के पास भी, मतलब रस्ते में नहीं, पॉलिटिशियन के पास भी ताकत रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में मैनेजर है तो उसको एक लीगल ताकत दिया है कि अपने जूनियर से काम करवा के लेना। सो बेटा अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। और जो जूनियर है, फाइनेंस मैनेजर ने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को काम करने बोला, तो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जवाबदार है फाइनेंस मैनेजर के लिए। सो ऐसा है कि अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, ये अथॉरिटी है जो कि डाउनवर्ड फ्लो होता है। माउस से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा हैंडराइटिंग अलग आएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अथॉरिटी एक लीगल राइट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द टास्क, ठीक है। सो अभी लॉजिक ये है कि अथॉरिटी जब डाउनवर्ड जाता है, फाइनेंस मैनेजर जब डाउनवर्ड ताकत अपना प्रयोग करके काम देता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू डू द वर्क, लेकिन फाइनेंस मैनेजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द फाइनेंस डायरेक्टर, उसके ऊपर जो है, और फाइनेंस डायरेक्टर का अथॉरिटी है टुवर्ड द फाइनेंस मैनेजर। सो इसको बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेसिकली इट इम्प्लाइज रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट बिटवीन फर्म एंड एम्प्लॉइज। जब तुम ज्वाइन करते हो तो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। जैसे कि कुछ कंपनी में नो स्मोकिंग जोन रहता है, देर इज अ डिसिप्लिन कि इफ यू स्मोक यू माइट बी पेनलाइज। या कुछ कंपनी जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम्प्लॉय के सिक्योरिटी के लिए तुम कंपनी के गेट के अंदर बाइक तभी लेके जा सकते हो जब हेलमेट पहना हो, ताकि गाड़ी अंदर सेफ रहेगी, वरना बाहर लगाओ। अभी कायदा बहुत क्लियर है डिसिप्लिन का कि मतलब तुमको बोला जा रहा है कि तुम्हारा फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी बता रही है हेलमेट पहनो, ठीक है ना, और बिना दारू पी के नहीं आ सकते। ये सब कंपनी का डिसिप्लिन है। बॉश कंपनी ने आई थिंक 4 लोग को निकाल दिया था ड्यू टू उन लोग को ऐसा दारू पी के आए थे, ये कारण से। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स यू टेक ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक एग्जाम्पल क्रिकेट टीम का लेता हूं कि एक क्रिकेट टीम में दो कैप्टन हुए, वैसे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं, लेकिन एक ही मैच में दो कैप्टन, विराट कोहली और रोहित शर्मा। मैंने बताया था ये कि विराट कोहली बोलता है तो बुमराह को तू डाल, और रोहित शर्मा बोलता है शमी तू डाल, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैच रुक जाएगा, दोनों में झगड़े हो जाएंगे। सो देर मस्ट बी ओनली वन बॉस टू होम यू हैव टू रिपोर्ट। इफ तुम मल्टीपल बॉस को रिपोर्ट करते हो देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो यूनिटी ऑफ कमांड सेज अ पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, मोर देन वन बॉस में गड़बड़ी होगी। उसी प्रकार से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि तुम ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल तुमको मुंबई नासिक टू मुंबई जाना है, ठीक है, तो तुम हाईवे से जाओ, अलग एरिया से जाओ, देर आर अलग अलग रूट है जिसमें से तुम जा सकते हो, ठीक है ना। बट द लॉजिक इज तुम प्लान अलग अलग बनाओ, लेकिन एक को सेलेक्ट करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, जैसे कि 12th के बाद में यू विल हैव अ कोर्स बीबीए बीबीएम बीसीए, तुम होटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग,
अलग अलग, लेकिन चुनोगे तो एक ही और उसको ही पूरा करोगे। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वेरी क्लियर कि यू माइट हैव ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाया, बट सेलेक्ट एक ही करो और उसको इंप्लीमेंट करो, करेक्ट। नेक्स्ट छठवा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। लेट अस टेक वन एग्जांपल, सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल, सी जनरल इंटरेस्ट यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात कर रही है, कंपनी का एक गोल है। एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, वो बोलता है कि साल में 100 तुमको गाड़ियां बेचना है, मतलब या 120 गाड़ी बेचना है, महीने में 10 कार से टोयोटा क्रिस्टा इनोवा तुमको बेचना है। तो जो एम्प्लॉय है, जो सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो बोलता है मैं 8 बेचूंगा। अब प्रॉब्लम ऐसे होगा, जब गोल दिया जाता है कि तुझे महीने में 10 बेचना है, अब प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि वो 12x8 96 बेचेगा, ठीक है, और है टारगेट 120 का। सो देयर इज अ मिसमैच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल और द एग्जीक्यूटिव का गोल। सो यू कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मस्ट एंश्योर कि दोनों के गोल्स मीट हो जाए। अब कंपनी का गोल कम करने के बजाय एम्प्लॉय को बोला जाए कि तू अपने गोल बड़ा, विल गिव यू एक्स्ट्रा पेमेंट या रेमुनरेशन जो भी है, ताकि उसको भी मोटिवेशन आ जाए। सो आई होप यू सब अंडरस्टैंड कि इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड द एम्प्लॉय गोल प्रॉब्लम्स होगा ही। सो केयर मस्ट बी टेकन कि दोनों के गोल एक ही दिशा में जाए, नहीं तो ऐसा सोचो दो टायर है गाड़ी के, एक टायर उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तुम बीच में ऐसे सोच रहे हो क्या हो रहा है, वो वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। अब देखो तुम यंगस्टर हो, तुमको पॉकेट मनी लेटेस्ट एज्यूम पप्पा 1000 देते हैं, सडनली पप्पा ने 10,000 दिया, तुम तो अभी पंख आ जाएंगे तुम्हारे विंग्स, ठीक है ना, और रेडबुल का है ना, रेडबुल प्रोवाइड्स विंग्स ऐसे कुछ तो है, तुम तो एकदम शुरू जाओगे पार्टी और एक ही क्या क्या चीजें शुरू हो जाओगे। सो बहुत ज्यादा पॉकेट मनी दिया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बहुत कम दिया तो तुम ऐसी प्रॉब्लम में रहोगे। सो एक ऐसा पॉकेट मनी जिससे तुम लाइफ इंजॉय भी कर सकते हो, रिचार्ज पेट्रोल सब भी हो सकता है, प्लस एक नॉमिनल पार्टी भी, मतलब तुम्हारा बैलेंस रहेगा लाइफ में। उसी प्रकार से एम्प्लॉय को ज्यादा पेमेंट किया तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, कम पेमेंट किया तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा, टेक्निकली लेबर टर्नओवर बोलते हैं उसको, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं कुछ लोग नए आते हैं, बट ट्रेनिंग करना पड़ता है। एक डायमंड कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के गया, कारीगर को ट्रेन करने के लिए 10 लाख का खर्चा आता है, बड़े कंपनी की बात कर रहा हूँ, इतना आसान थोड़ी है, बहुत डिफिकल्ट है वो। सो रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल ऐसा दो जिससे कंपनी को भी बैलेंस रहे, एम्प्लॉय को भी खुशी हो। सो दैट इज कॉल्ड एज रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग टॉप मिडिल और लोअर सब जगह पे लिया जाता है। अभी एक हॉस्पिटल ले लो, सर्जन है, सर्जन सर्जरी कर रहा है, वो थोड़ी कंपाउंडर को पूछेगा अभी इसका काटो कि नहीं, लीवर निकालो कि नहीं, कंपाउंडर लेगा आज मोड़ है चलो लीवर निकाल के देखते, ऐसा थोड़ी चलता है। डॉक्टर को डिसीजन लेना है, वहां पे डिसीजन टॉप लेवल पे लिया जाता है, बाकी लोग को सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है ना। लेकिन एक कंपनी में, अब जैसे मुकेश अंबानी जियो में जियो लॉन्च करना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के जो फैसले हैं, कौन से सिटी स्टेट विलेज, ठीक है ना, ये सब जगह का डिसीजन बाकी लोग को भी तो लेने का अधिकार होना चाहिए, इफ है तो डिसेंट्रलाइजेशन। सो क्वेश्चन ये है कि कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल पर डिसीजन लिया जा रहा है, बाकी लोग को फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप मिडिल और लोअर लेवल पे सबको मौका दिया जा रहा है डिसीजन लेने का। अच्छा, इसके बाद है स्केलर चेन। स्केलर चेन के लिए मैं एक ड्राइंग बताना चाहता हूँ आप लोग के सामने, एक ड्राइंग आ रहा है, ये एग्जाम में जरूर ड्रॉ कर लेना, और 5 उन लोगों ने पॉइंट्स पूछा उसमें ये एक पॉइंट जरूर रखना, क्योंकि आप लोग जब ड्रॉ करोगे तो फुल मार्क्स देगा, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा से 4 मार्क का तो फुल 4 देगा। सो अभी ये कैसे है, ऐसा सोचो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोजिटली ई को ओ से बात करना है, ई को ओ से बात करना है, तो ई को डी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर डी सी से परमिशन लेगा, सी बी से, बी ए से हाँ बोला, फिर ओ एन से लेगा, एन एम से। उसके बजाय एक कंपनी में ऐसा स्थिति हो कि ई कैन डायरेक्टली टॉक टू ए बाय ड्रॉइंग अ गैंग प्लैंक, डॉटेड लाइन को गैंग प्लैंक बोलते हैं। ये स्केलर चेन एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बताता है। सो एक गैंग प्लैंक बना दिया तो देयर इज एन इजी कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप स्केलर चेन समझ में आया,
सुपीरियर लेवल है, ये लोअर लेवल है। सो ये मैनेजर है, जूनियर को टेक्निकल भाषा में सबॉर्डिनेट बोलते हैं। सो सबॉर्डिनेट डिड नॉट टेक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, डायरेक्टली कैन टॉक, राइट। नेक्स्ट दस ऑर्डर, ये बोलता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। ऑर्डर बोलता है कि द मटेरियल एंड पीपल शुड बी एट द राइट प्लेस, ठीक है, एंड एट द राइट टाइम। तुम्हारे घर का जो रूम है, स्टडी रूम, हमेशा माताजी और पिताजी आते रहेंगे, कपड़े फैले हुए, बुक्स फैले हुए, जिंदगी फैला हुआ, बराबर है। सो सब चीज ठीक से रख दिया, कपड़े और माताजी और पिताजी कितना खुश हो गए कि वाह बच्चा कितना सवर गया है, और ढूंढने भी आसानी। हमारे टाइम में भी, ठीक है, पूरा कचरा एक दिन पे एक जगह पे, फिर ढूंढो ढूंढो कहाँ कहाँ रख दिया। ये तो हमसे हमेशा होता था, तुमसे भी होता होगा। फिर पेरेंट्स ने डांटा, तब जाकर सवार लिया, थोड़ा नाराज हो गए, लेकिन बोलने का तात्पर्य है व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर, कि द मटेरियल एंड द पीपल शुड बी एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। इसलिए फैक्ट्री में जो स्टोर्स होता है, स्टोर्स वो जगह है जो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, ये ऐसे दो और ऐसे तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो स्टोर्स इधर होगा, मतलब इधर से मटेरियल जाएगा और एक एक प्रोडक्शन में जाएगा। तो स्टोर्स जो है, जो स्टोर्स बेसिकली वो जगह है जहाँ रॉ मटेरियल रखा जाता है, वेयरहाउस वो जगह है जहाँ फिनिश गुड्स रखा जाता है। तो स्टोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर या उसके बाजू में होगा, ताकि फटाफट रॉ मटेरियल जा सके। तो देर मस्ट बी ऑर्डर फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज की सही जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मतलब सबको सम्मान पूर्वक ट्रीटमेंट दो। मतलब एक कंपनी में जो मेस होता है खाने में, जो एम्प्लॉय को जैसे सवेरे से शाम तक का शिफ्ट रहता है, तो जो एक कंपनी है जिसमें खाना अलग, वर्कर्स का खाना अलग और ऑफिसर्स का खाना खाना अलग बनता था, तो फिर और कैसे था, बेंचेस के बाकड़े थे कि तुम वर्कर्स को बाकड़े थे और जो ऑफिसर्स को मतलब चेयर और राउंड टेबल था। देन एक समय आ गया, वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया, बोला कि वो ऑफिसर है इसलिए अच्छा खाना, हम वर्कर है इसलिए ऐसा चीप जगह बेंचेस दे दिए, हमको भी तो हक है। तो ये स्ट्राइक हुआ कंपनी में, तब जाकर कंपनी ने सबके लिए खाना इक्वल कर दिया। सो बोलने का तात्पर्य इक्विटी, सबको रिस्पेक्टफुली, भले ही वो औहदे में ऊपर हो नीचे हो, ठीक है, तो वो सम्मान पूर्वक खाना खाए इक्वल लेवल पे। इक्विटी मतलब खाने पे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, और काम पे भी बोल रहा हूँ, एक सम्मान या रिस्पेक्ट सबको होना चाहिए, सबको रिस्पेक्टफुली सरीखा ट्रीट करो, ये पॉइंट है। 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अभी सपोजिटली मैं फॉर्ड का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर्ड इंडिया में जब जाने वाली, बंद होने वाली थी, तो न्यूज आ गया होगा, अभी तो फॉर्ड इंडिया छोड़ के जा रही है। हार्ली डेविडसन ने भी इंडिया में बंद कर दिया, और फॉर्ड ने भी अभी डिसाइड कर लिया कि वो एग्जिट, जनरल मोटर्स का जो शेवरोलेट है वो तो चला गया ही था, और अभी फॉर्ड भी जा रहा है करीबन 15,000 करोड़ का घाटा करके। ना तुम सोचो ना, जो एम्प्लॉय है उनका क्या हाल हुआ रहेगा, करीबन 4,000 एम्प्लॉय का नौकरी गया, सप्लायर्स का काम गया, मैनेजर ने अभी जो सी डायरेक्टर था या सीईओ था इंडिया का, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने भी रिजाइन कर दिया। सो जब कंपनी घाटे में जाता है तो एम्प्लॉय को सबसे पहले डर रहता है कि उनको हकाला जाएगा, और याद रखो कंपनी में जब हकाला जाता है तो लोअर के लोग पहले हकाले जाते हैं, टॉप के लोग लास्ट में जाते हैं, ठीक है ना। जापान जैसी जगह में टॉप के लोग पहले छोड़ते हैं, लोअर लोग जितना संभाल कर सकते हैं, हर देश में अलग अलग है। तो ये तो सीधी बात है, जो लोअर लोग है उनको पहले निकाला जाता है। तो एक एम्प्लॉय को जो पता है कि उसके जॉब को खतरा है, कंपनी बिक सकती है, तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, तो उसको एश्योरेंस दिया जाए, खास करके जापानी जैसे कंपनी में, वो लोग लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय एक ही कंपनी में लाइफ लॉन्ग काम करता है, कंपनी निकालते भी नहीं है। हालांकि आजकल थोड़ा वो भी कमर्शियल लेवल पे हो गया है, लेकिन यदि एम्प्लॉय को एश्योरेंस है कि काम अच्छा किया तो उसको निकाला नहीं जाएगा, और तुम्हारा जॉब स्टेबिलिटी है, सिक्योर है, तुमको पेमेंट, घर चल रहा है, फैमिली चल रहा है, तो तुम काम अच्छा करोगे। तो एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है हर एक एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी देना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में तुम काम अच्छा कर रहे हो तो कोई किसी को निकालेगा नहीं। 13 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है, एक क्या होता है, एक बच्चे को बार बार बोला जाए, बार बार वो फादर को पूछेगा और बार बार फादर टोकेगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो बच्चा देखो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो हर चीज में फादर से अप्रूवल लेना चाहता है। तो ऐसे टाइप के बच्चे जिसको बार बार टोका जाता है, बार बार रोका जाता है, ऐसे बच्चे खुद से फैसला नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हर चीज में वो माता पिता से पूछते हैं ये सही है कि नहीं, जबकि फैसला लिया बच्चे ने, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अगली बार वापस ठीक कर देंगे।
इनिशिएटिव भी वैसा ही है कि एक प्रकार का फ्रीडम दिया है टू प्लान एंड एग्जीक्यूट। अब इसमें गलतियां भी होंगे, एक गलती के भी करोड़ों रुपए का भी घाटा होगा, लेकिन कंपनी बोलती है घाटा होगा तो हम तैयार है लेने के लिए, क्योंकि तुमको सीखने को मिलेगा। तुमको क्या लगता है iPhone 13 जो प्रो मैक्स प्रो जो भी लॉन्च किया, उसमें बनाते समय ऐसे भी डिजाइन बने होंगे जो जरूरत यूज नहीं किया होगा, उसको फेंक दिया होगा। लाखों करोड़ों तो लॉस होता ही है रिसर्च में, तो तुम क्या एम्प्लॉय को निकाल दोगे, गलत डिसीजन लिया तो। सो इनिशिएटिव। और बाय द वे तुम देखो, विराट कोहली का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, वो बोलता है गलती से आदमी ज्यादा सीखता है एज कम्पेयर टू सक्सेस। में तुम हवे में आ जाते हो, सब कुछ सही है, लेकिन गलती क्या, तो तुम एनालाइज करते हो कहाँ कमी पड़ गई, तो वहां पे इंप्रूवमेंट के चांस ज्यादा रहते हैं। और लास्ट में एस्पिरिट डी कॉम्स, एस्पिरिट डी कॉम्स बोलता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनी पीस रहना चाहिए। सो ये एस्पिरिट डी कॉम्स है, ठीक है ना, पूरे ये एक आई थिंक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स पीसफुल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में शांति का माहौल होना चाहिए। तो कितने पॉइंट्स थे, 14 पॉइंट्स। अब मैं आपको एक 14 के 14 पॉइंट्स लर्न करने का एक ऐसा टेक्निक, मेमोरी रट्टा भी नहीं मारना, एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको 14 के 14 पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 14 पॉइंट्स नाउ। ये आपके सामने कितने आ गए, 14 पॉइंट्स। तो मैंने एक स्टोरी बनाया है, एक प्रिंसिपल और एक बीओए की कॉलेज या कोई भी कॉलेज ले लो उसका, ऐसा सोचो प्रिंसिपल का कैबिन और वाइस प्रिंसिपल का कैबिन दोनों साथ साथ है, बीच में एक दीवार है, ठीक है ना, ऐसा सोचो उसमें कांच है, मतलब देख भी सकते हैं, ऐसे सोचो। पहले तो ऐसे सोचो कि कॉलेज ने डिवाइड किया है वर्क, ठीक है ना, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के दो कैबिन है, दोनों ने डिविजन ऑफ वर्क किया है, भाई तू कॉमर्स संभाल तू साइंस संभाल, ठीक है ना। पहला एक कैबिन है प्रिंसिपल का, बाजू में कैबिन है वाइस प्रिंसिपल का, तो सीधी बात है अथॉरिटी किसके पास है, प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, वाइस प्रिंसिपल। तो पहले क्या याद रखोगे, दो कैबिन है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कॉमर्स संभालता है, वाइस प्रिंसिपल साइंस संभालता है, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास। फिर कांच के ऊपर दोनों दोनों का जो कैबिन है उसके बीच में ऐसा सोचो एक कांच है, उसमें एक शब्द चिपकाया गया है, वो लिखा हुआ है डिसिप्लिन, ठीक है। पॉइंट नंबर वन क्या है, प्रिंसिपल का कैबिन, वाइस प्रिंसिपल का कैबिन, मतलब काम डिवाइड किया, ये कॉमर्स संभालेंगे और ये साइंस संभालेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर है, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है। दोनों के दीवार के बीच में जो कांच है वहां पे एक शब्द चिपकाया गया है डिसिप्लिन, ठीक है। एक टीचर आती है और बोलती है सर क्या कमांड है, एक टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में और पूछती है आज का क्या कमांड है, वो उसको कुछ साइंस का पूछना रहता है, तो प्रिंसिपल टीचर को बोलते हैं कि आपका फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कुछ है तो आप, मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ, ये वाइस प्रिंसिपल का कैबिन है, वहां पे जाकर उनसे बात कीजिए। सो पॉइंट नंबर वन क्या है, काम का डिवाइड किया, प्रिंसिपल कॉमर्स संभालेंगे, डिविजन ऑफ वर्क है, और वाइस प्रिंसिपल साइंस संभालेंगे, बट अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है। दोनों के दीवार, दीवार तो नहीं है कांच है, कांच में एक वर्ड चिपकाया गया डिसिप्लिन। एक टीचर आती है साइंस की, वो बोलती है सर आज के दिन का क्या कमांड है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि साइंस का डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल के पास है, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ इनके पास जाओ, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऐसा तुम रिमेम्बर कर लेना। उतने में प्रिंसिपल की सबॉर्डिनेट आती है, सेक्रेटरी आती है, सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर, तो सेक्रेटरी के बजाय सबॉर्डिनेट सोचो, तो वो साइंस की टीचर चली जाती है, अभी प्रिंसिपल की सबॉर्डिनेट आती है, ठीक है। और जैसे आती है और बोलती है सर आज 7 तारीख है, मेरा रेमुनरेशन मिल सकता है, ठीक है ना। अब वापिस एक क्विकली रिवाइज करते हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के दो कैबिन से डिवाइड किया है कॉमर्स, वो साइंस संभालेंगे, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है, बीच में कांच है लिखा हुआ है डिसिप्लिन। एक साइंस की टीचर आती है बोलती है आज क्या कमांड है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल डायरेक्शन देते हैं वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा, वो देख लेंगे क्या है। फिर उतने में प्रिंसिपल की सबॉर्डिनेट जूनियर आती है और बोल, जैसे आती है सेक्रेटरी रहती है, तो बोलती है सर आज मेरे को रेम्यूनरेशन मिल सकता है, आज 7 तारीख है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले, सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल बैंक ऐसा कनेक्ट करना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले। वो बड़ी खुश होती है, ठीक है ना, वो बोलती है सर मैं अभी जाके बैंक में जमा करूँ, बहुत अर्जेंट है। तो वो प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है जा, पर जाने से पहले दरवाजे की चेन लगा के जा, स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर की चेन लगा के जा, और जाते समय नोटिस बोर्ड में मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ वो भी चिपका दे।
तो वो जाके नोटिस बोर्ड में एक ऑर्डर चिपका देती है। ऑर्डर में लिखा रहता है कि हर एक स्टूडेंट को कॉलेज का एक एक इक्विटी शेयर लेना होगा। सोचने में आसान है ना, इक्विटी शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस दो प्रकार के शेयर होते हैं, तो इक्विटी शेयर लेना होगा, ठीक है ना। अभी उतने में वाइस प्रिंसिपल का टेन्योर, वाइस प्रिंसिपल का बोलते ना काफी साल हो गए, 10-15-20 साल हो गए, तो अभी वो रिटायर हो रहे हैं, तो वाइस प्रिंसिपल का टेन्योर खत्म हो जाता है और वो खुद से इनिशिएटिव लेके दूसरे कॉलेज में उनको जॉब भी मिल जाता है, उसको दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल का जॉब मिलता है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके अप्लाई किया रहता है। तो अब वो आखिरी दिन है उनका, वो आते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल और उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, दोस्त का रहता है, तो जाते समय उनको एक एस्पिरिट की घड़ी और परफ्यूम ऐसे सोचो देखे जाते हैं। तो एक क्विक फायर रिवाइज कर ले तो याद हो जाएगा आप लोग को 14 पॉइंट्स। पहला क्या है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का कैबिन, डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है ना, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास, बीच में काज डिसिप्लिन लिखा हुआ है, एक साइंस की टीचर आती है, आज का कमांड क्या है, डायरेक्शन देते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा, उनकी सबॉर्डिनेट आती है, बोलती है मेरे को रेमुनरेशन मिल सकता है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक देते हैं, प्लस एक कागज देते हैं, नोटिस बोर्ड में ऑर्डर लगा दे, जाते समय चेन लगा के जा और एक ऑर्डर देते हैं, नोटिस बोर्ड में लगवा दे, हर एक स्टूडेंट को एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा, वाइस प्रिंसिपल का स्टेबिलिटी या टेन्योर खत्म होता है काम का, वो इनिशिएटिव लेके दूसरे कॉलेज में उनको प्रिंसिपल का काम मिल जाता है, उन्होंने इनिशिएटिव किया रहता है, आज वो आते हैं और इनको एस्पिरिट डी कॉप्स, एस्पिरिट की घड़ी दे जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को पसंद आया वीडियो, तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, खास करके स्टोरी की 14 के 14 पॉइंट्स लर्न हो जाए, अक्सर बच्चे 14 पॉइंट्स भूल जाते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी क्या करो, तुरंत ही 14 के 14 पॉइंट्स लिख के निकालो, बिना बोलते ना, बिना वीडियो को देखे कितने पॉइंट्स याद है स्टोरी के मदद से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।